कट्टर साहब, कभी आपने तेल खरीदा होता, दाल और चीनी खरीदी होती, गृहस्थी चलाई होती, गैस का सिलेंडर खरीदा होता, डीजल ट्रैक्टर में डलवाया होता, स्कूटर मोटरसाइकिल कार में पेट्रोल डलवाया होता, तो आपको पता चलता कि आम जनमानस की जिंदगी की हालत क्या। पूरे हिंदुस्तान में सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है पेट्रोल पंप्स के सामने। गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरुद्ध, बढ़ती गैस की कीमतें, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आसमान छूती कीमतों ने हरियाणा और देश की जनता की कमर तोड़कर रख दी है। महंगी गैस, महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल, इस नारे के साथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तरीके से बैल के साथ ट्रैक्टर को खींचकर यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि हरियाणा और देश के अंदर अब किसान और आम जनमानस की जिंदगी बची नहीं है। अगर आप ये देखें तो पिछले 13 महीने में ही पेट्रोल की कीमतों में 26.25 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 24.5 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि मोदी और खट्टर सरकारों ने की है। 2014 में जब सरकार गई तो हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 21% था, जो खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला ने बढ़ाकर 30% कर दिया। डीजल पर अगर आप वैट देखें तो डीजल पर वैट 9.25% था, जो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ा के 21.5% कर दिया। 50,000 करोड़ रुपए की लूट अकेले हरियाणा सरकार ने वैट से की। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मोदी जी ने 22,00,000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर लूटा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो केंद्र सरकार को हर लीटर पर 9.20 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स जाता था, वो 9.20 रुपया प्रति लीटर से बढ़ के पेट्रोल का टैक्स अब 23.78 रुपया या 24 रुपया प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से डीजल पर केवल 3.46 रुपया केंद्रीय टैक्स 2014 में था, आज वो 3.46 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 28.37 रुपया प्रति लीटर हो गया है। इस प्रकार से 22,00,000 करोड़ केंद्र सरकार लूट चुकी। गैस का सिलेंडर 900 रुपया हो गया। कच्चे तेल का भाव मई 2014 में $108 था, वो एवरेज पिछले 7 साल की देखो तो $25 है, आज भी $70 से ज़्यादा नहीं है। यानी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 33 रुपया लीटर होनी चाहिए, परंतु है 100 रुपया लीटर पेट्रोल और लगभग 85 रुपया लीटर के करीब पहुंच गया है अब डीजल। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार, प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं इन्हें वापिस ले। सर, दुर्भाग्य से अगर आप पूरे हरियाणा का आंकड़ा देखें तो कैथल जैसे शहर में 2 करोड़ रुपया मास का फाइन लग चुका, और पूरे हरियाणा में मुझे बताया गया कि आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया है। 50 करोड़ का जुर्माना खट्टर साहब मास्क पे तो लगाते हैं आप और दुष्यंत चौटाला जी, परंतु आप वैट कम क्यों नहीं करते डीजल और पेट्रोल पे, और केंद्र सरकार को भाजपा क्यों नहीं कहती कि वो वैट कम करे। नहीं जा सकता, वो 200 रुपया लीटर हो गया, और खट्टर साहब कहते हैं कि 2 लीटर तेल के लिए 1 महीना में मैं 250 रुपये दूंगा। खट्टर साहब, कभी आपने तेल खरीदा होता, दाल और चीनी खरीदी होती, गृहस्थी चलाई होती, गैस का सिलेंडर खरीदा होता, डीजल ट्रैक्टर में डलवाया होता, स्कूटर मोटरसाइकिल कार में पेट्रोल डलवाया होता, तो आपको पता चलता कि आम जनमानस की जिंदगी की हालत क्या। सर, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया था, वो कानून बनाया गया था, 2 बार नोटिफिकेशन भी की, लेकिन वो अब नजर आ रहा है। देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी का आलम जो है वो आपके सामने है। यहाँ से कुछ दूर बिजली बोर्ड का कार्यालय है, वहाँ जाके युवाओं को देख लीजिए, जिन बच्चों की भर्ती हुई 250 बच्चे उन्हीं के पेट पे आज सुबह लात मार दी। नौकरी आप दे नहीं रहे, जो हैं उन्हें आप नौकरी से निकाल रहे हैं। कहाँ है दुष्यंत चौटाला, कहाँ है मनोहर लाल खट्टर जी? खट्टर साहब तो एयर कंडीशन में बैठ के कहते हैं सारो सबको रोजगार मिला हुआ है। खट्टर साहब ये याद रखिएगा,
हरियाणा के युवक और युवतियों की हाय जब आपको लगेगी ना, तो दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब दोनों बेरोजगार होने वाले हैं। धन्यवाद।